हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। ऐसे में कल यानी 12 सितंबर नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। प्रदेश भर की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बात अगर धर्मनगरी की करें तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के आखिरी दिन 50 नामांकन दाखिल हुए। थानेसर विधानसभा से जहां 10 नामांकन दाखिल किए गए, वहीं पिहोवा विधानसभा से 12 नामांकन, लाड़वा विधानसभा से 14 नामांकन और शाहबाद विधानसभा से 14 नामांकन दर्ज किए गए। अब तक कुरुक्षेत्र के चारों विधानसभा क्षेत्रों से कल यानी 12 सितंबर जो दिन बीत चुका है, उस दिन तक कुल 75 नामांकन दाखिल हुए। आपको बता दें कि आज यानी 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश जोगपाल के अनुसार कुरुक्षेत्र के चारों विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन 50 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन के अंतिम दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 75 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र जिला की चारों विधानसभाओं में नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। अब आज यानी 13 सितंबर को प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश जोगपाल के अनुसार थानेसर विधानसभा क्षेत्र से वीरवार को 10 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार अरोड़ा व उनकी कवरिंग प्रत्याशी लता राणी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण बजाज, उनकी कवरिंग प्रत्याशी वीना बजाज, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सूर्य प्रताप सिंह राठौर व उनकी कवरिंग प्रत्याशी पद्मिनी, बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार तनुजा, आजाद उम्मीदवार करतार सिंह, आजाद उम्मीदवार मेहरदीन, आजाद उम्मीदवार अशोक कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा व उनकी कवरिंग प्रत्याशी उमा सुधा, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी जयवीर सिंह रंगा, आजाद प्रत्याशी अभिषेक पुनिया अपना नामांकन पत्र पहले ही दाखिल कर चुके हैं। थानेसर विधानसभा से अब तक यानी कल 12 सितंबर तक 14 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। पिहोवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के कवरिंग प्रत्याशी के रूप में नेहा शर्मा, जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी के कवरिंग प्रत्याशी रणधीर सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप चट्ठा, उनके कवरिंग प्रत्याशी रमनदीप कौर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गहल सिंह व उनके कवरिंग प्रत्याशी जोधवीर सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी बलदेव सिंह व उनके कवरिंग प्रत्याशी निंदर कौर, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कौर, आजाद उम्मीदवार श्यामलाल, आजाद उम्मीदवार गगनजोत संधु, आजाद उम्मीदवार जसतेज सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस विधानसभा से संयुक्त संघर्ष पार्टी के उम्मीदवार गुरनाम सिंह व कवरिंग प्रत्याशी के रूप में अर्शपाल सिंह, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखविंदर कौर व भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय भगवान, आजाद उम्मीदवार रजत शर्मा अपना नामांकन पत्र पहले से ही दाखिल कर चुके हैं। पिहोवा विधानसभा से अब तक यानी कल 13 सितंबर तक 17 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। उन्होंने कहा कि शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण व कवरिंग प्रत्याशी कंवरपाल, बीएसपी से चंद्रमान, आम आदमी पार्टी से आशा रानी व कवरिंग प्रत्याशी सिद्धार्थ पठानिया, जननायक जनता पार्टी से रंजीता सिंह, आजाद उम्मीदवार वर्षा, आजाद उम्मीदवार राजेश कुमार, आजाद उम्मीदवार पवन कुमार, आजाद उम्मीदवार प्रेमपाल, आजाद उम्मीदवार राजकुमार, आजाद उम्मीदवार सुनीता, आजाद उम्मीदवार सीमा रानी, आजाद उम्मीदवार जगमाल सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शाहबाद विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में शिवनाथ, भाजपा से सुभाष कलसाणा, मिशन एकता पार्टी से कांता देवी अपना नामांकन पत्र पहले ही दाखिल कर चुके हैं। शाहबाद विधानसभा से अब तक 17 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं। लाड़वा विधानसभा से इनेलो के उम्मीदवार सपना ने 2 नामांकन, राष्ट्रीय गरीब दल से सतीश कुमार, कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह, भारतीय जनता पार्टी से नायब सिंह, भारतीय सर्वोदय पार्टी से सुभाष सैनी, आम आदमी पार्टी से जोगा सिंह व कवरिंग प्रत्याशी मनप्रीत कौर, जननायक जनता पार्टी से विनोद कुमार शर्मा, आजाद उम्मीदवार राजकुमार, आजाद उम्मीदवार राजकुमार, आजाद उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह, आजाद उम्मीदवार कुलबीर सिंह, आजाद उम्मीदवार सुखविंदर कौर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह व कवरिंग प्रत्याशी सुमन सैनी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेवा सिंह व उनके कवरिंग प्रत्याशी विकास, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से विक्रम सिंह, आजाद उम्मीदवार संदीप गर्ग, आजाद उम्मीदवार जसविंदर जास्त, आजाद उम्मीदवार अशोक कुमार हमीरपुर, आजाद उम्मीदवार प्रवीण कुमार, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी मानसिंह चोपड़ा, आजाद प्रत्याशी रजनीश सैनी, आजाद प्रत्याशी भजन सिंह, आजाद उम्मीदवार रामचंद्र अपना नामांकन पत्र पहले से ही दाखिल कर चुके हैं। लाडवा विधानसभा से अब 27 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों से वीरवार को 50 नामांकन, आखिरी दिन तक कुल 75 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।